हाय, क्या आप जानते हैं कि शुगर का टेस्ट यानी जो ग्लूकोज का टेस्ट होता है वो डायबिटीज जानने का टेस्ट नहीं है, यानी डायबिटीज है या नहीं, डायबिटीज होगी या नहीं, ये जानने का टेस्ट नहीं है। अरे तो फिर टेस्ट है कौन सा? फिर कौन सा टेस्ट कराया जाए जिससे ये पता लगे कि डायबिटीज होगी या नहीं होगी, या डायबिटीज है या नहीं। तो बेसिकली शुगर का टेस्ट जो होता है या ग्लूकोज जो टेस्ट होता है वो डायबिटीज के स्टेटस का टेस्ट है, यानी शुगर के स्टेटस का टेस्ट है कि शुगर कितनी है, ग्लूकोज कितना है ब्लड में। लेकिन आप इससे ये नहीं जान सकते कि आपको डायबिटीज हो गई है या डायबिटीज होने वाली है। तो डायबिटीज होने वाली है या हो गई है, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए सिंपल टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं HOMA-IR। तो HOMA-IR एक टेस्ट है जिससे आप जान सकते हैं कि डायबिटीज होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी। क्योंकि शुगर का टेस्ट तो बहुत लंबे समय तक जो है वो नॉर्मल आता है, और इसी नॉर्मल आने की वजह से लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि डायबिटीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और अचानक से डायबिटीज आ जाती है। तो HOMA-IR करवाएं अगर सच में आप जानना चाहते हैं कि ब्लड शुगर या डायबिटीज होगी या नहीं होगी, या ब्लड शुगर बढ़ना चालू तो नहीं हो, बढ़ेगा कब से बढ़ना चालू होगा।